अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ोन कॉल्स पर लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, यानी लड़के ने लड़की से कहा कि तू मुझे कबूल है और लड़की ने लड़के से कहा कि तू मुझे कबूल है। इस तरह से फ़ोन कॉल्स पर दोनों के दरमियान ईजाब व कबूल हो गया, यानी लड़के ने भी कहा कि मुझे निकाह कबूल है और लड़की ने भी कहा कि मुझे निकाह कबूल है। तो ऐसी सूरत में लड़का लड़की दोनों के दरमियान निकाह मुनक़िद होगा या नहीं होगा, यानी इस तरह निकाह करने से दोनों मियाँ बीवी बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इसके बारे में हुक्म शरई क्या है। देखिए, इसके जवाब में पहले तो ये बात आप अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें कि हमारा मज़हब इस्लाम, हमारी शरीयत मुतहरा इस बात को ज़्यादा पसंद करती है कि निकाह मजमे आम में गवाहों की मौजूदगी में किया जाए, निकाह एलानिया तौर पर किया जाए, खुल्लम खुल्ला किया जाए और ऐसे वक्त में निकाह किया जाए जिस वक्त में लोग ज़्यादा हों, मजमा ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में निकाह किया जाए। ये बात मज़हब इस्लाम को ज़्यादा पसंद है। बाकी छुप छुपा कर निकाह करना, चोरी छुपे निकाह करना शरीयत मुतहरा में ये पसंदीदा नहीं है। अगरचे निकाह के जो है शरायत मौजूद हों, गवाह मौजूद हों तो निकाह मुनक्किद हो जाता है, लेकिन इस तरह चोरी छुपे छुप छुपा कर निकाह करना मज़हब इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। बाकी रहा ये सवाल कि फ़ोन कॉल्स पर लड़के ने लड़की को और लड़की ने लड़के को एक दूसरे को कबूल कर लिया तो निकाह मुनक्किद होगा या नहीं होगा। तो देखें, निकाह के मुनक्किद होने के लिए मजलिस निकाह में दो गवाहों की मौजूदगी में लड़का लड़की दोनों के दरमियान ईजाब व कबूल का पाया जाना ज़रूरी है। ईजाब कहते हैं निकाह की पेशकश करने को और कबूल कहते हैं उस निकाह की पेशकश को कबूल करने को। लिहाजा मजलिस निकाह में दो गवाहों की मौजूदगी में, अच्छा निकाह के गवाह कोई भी हो सकते हैं, दो मर्द भी निकाह के गवाह हो सकते हैं, या फिर अगर दो मर्द नहीं हैं तो एक मर्द और दो औरतें भी निकाह की गवाह बन सकती हैं। ईजाब व कबूल लड़का लड़की खुद भी कर सकते हैं या फिर उनकी तरफ से मुकर्रर करदा वकील के ज़रिए भी लड़का लड़की के दरमियान ईजाब व कबूल कराया जा सकता है। तो बहरहाल मजलिस निकाह में दो गवाहों की मौजूदगी में अगर लड़का लड़की दोनों के दरमियान ईजाब व कबूल पा लिया जाए तभी निकाह मुनक्किद होगा, वरना निकाह मुनक्किद नहीं होगा। अब ये जो सूरत बयान की गई फ़ोन कॉल्स वाली कि फ़ोन कॉल्स पर लड़के और लड़की दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया तो निकाह मुनक्किद होगा या नहीं होगा, तो देखें इस सूरत में तो सिरे से ही निकाह मुनक्किद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि यहाँ पर लड़का एक लोकेशन से बात कर रहा है, लड़की दूसरी लोकेशन से बात कर रही है। लड़का एक शहर में है, लड़की दूसरे शहर में है, यहाँ ना तो मजलिस निकाह का एक होना पाया जा रहा है और ना यहाँ गवाहों का मौजूद होना पाया जा रहा है। जबकि हदीस पाक में आता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन, यानी बिना गवाहों के निकाह नहीं है। लिहाजा इस सूरत में, फ़ोन कॉल्स वाली सूरत में, जब लड़का लड़की फ़ोन कॉल्स पर दोनों एक दूसरे को कबूल कर लें तो इस सूरत में निकाह मुनक्किद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना मजलिस निकाह एक है ना गवाह मौजूद है। लिहाजा टेलीफोन पर, इंटरनेट पर, इस तरह से फ़ोन कॉल्स पर इस तरह की फजूल गुफ्तगू करने से निकाह मुनक्किद नहीं होता है, बल्कि निकाह का महज़्ज़ब तरीक़ा यह है कि जो है मुनासिब तरीके से लड़की के वालदैन से उसके लिए रिश्ता मांगा जाए। अगर लड़की के वालदैन रजामंदी का इजहार करें, वो राज़ी हो जाए, तो फिर मजलिस निकाह में दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल कर लिया जाए, निकाह मुनक्किद हो जाएगा। लिहाजा खुलासे कलाम ये हुआ कि फ़ोन कॉल्स पर, टेलीफोन पर लड़का लड़की एक दूसरे को कबूल कर लें या ये कहें कि हमें निकाह कबूल है, तो ऐसा कहने से, इस तरह से करने से निकाह मुनक्किद नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल आपके मन में हो इसके मुतालिक, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।